अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एमन तहरीम, सिक्स क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है सेट्स। एक्सरसाइज 1.1 आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट और नॉट। इसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। इसका पहला पार्ट है द फाइव प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हमें पता है कि होते ही फाइव हैं, तो इट इज़ अ सेट। सेकंड पार्ट है इसका द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट के कोई से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसका सेट नहीं बन सकता, तो इट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड है इसका द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सेट ही है, ऑब्वियसली सी बात है, इट इज़ अ सेट। द नोटी बॉय ऑफ द स्ट्रीट, गली में शरारती बच्चा। अब जो गली में शरारती बच्चा है वो एक ही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका सेट तो नहीं बनाया जा सकता ना। लेकिन यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर देखें उन्होंने स्पेसिफिक बात कर दी है कि नोटी बॉय, अगर तो वो सिर्फ बॉयज़ कहते तो कोई से भी हो सकते, तब नोटी बॉय, तो नोटी बॉय तो एक ही होगा, तो इट इज़ नॉट अ सेट। फिफ्थ पार्ट है इसका द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स आई नो एंड यू नो आल्सो, इट इज़ अ सेट। द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं उसका भी सेट बनाया जा सकता है, कोई से भी ले लें उनका सेट बना लें, पाकिस्तान के प्लेयर के क्रिकेट टीम के, तो इट इज़ अ सेट। द शार्प बॉय ऑफ अ स्कूल, अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया शार्प बॉय, स्कूल का जो तेज़ लड़का है, तो इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक शार्प बॉय का कहा है, ज़्यादा सारे बॉयज़ नहीं कहे। नेक्स्ट इसका एट पार्ट है द नेचुरल नंबर लेस देन 50। नेचुरल नंबर वो वाले जो कि 50 से लेस देन हो, 50 से लेस हमने नेचुरल नंबर्स बताने हैं, तो उसका भी सेट बनाया जा सकता है, 50 से लेस नेचुरल नंबर्स, इट इज़ अ सेट। द होल नंबर लेस देन 9, होल नंबर्स जो हैं वो बताने हैं जो 9 से लेस हों, वो भी सेट होता है, इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू वोवल वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी अप टू सोन जी, जी तक, देन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। वो हमें कह रहे हैं कि ए हमारे पास ए सेट में ए से यू तक वोवल्स हैं और बी में हमारे पास ए बी सी है ए से जी तक, तो वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब देखें इसका फर्स्ट पार्ट है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसमें हमने देखना है वो हमें क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हमने ये देखना है कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर जो वोवल्स दिए हुए हैं उसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। अब आप देखें जो ऊपर स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है, स्मॉल ए हमारे पास कैपिटल ए वाले सेट में मौजूद है, देखिए फर्स्ट ही ए हमारे पास आ रहा है, इट्स मीन इट्स ट्रू, तो हम लिख देंगे ये ट्रू है। इसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है इसका बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स हमने बिलोंग्स वो तब कहेंगे जब वो उसके अंदर मौजूद होगा, और डजेंट बिलोंग्स वो तब कहेंगे जो लाइन लगी हुई है हमारे पास बिलोंग्स के ऊपर, ई सा बना हुआ है उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा, मीन कि उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा अगर उन्होंने सही बताया हुआ है। अब देखें अगर उन्होंने सही बताया हुआ है तो हमने कहना ये ट्रू है, अगर गलत बताया हुआ है तो हमने कहना फॉल्स है। अब बी बिलोंग्स टू ए, वो कह रहे हैं कि स्मॉल बी जो है वो ए वाले सेट में मौजूद है, तो आप देखें पहले चेक करें कि स्मॉल बी जो है वो ए वाले
सेट में मौजूद है कि नहीं है, तो स्मॉल बी ए वाले सेट में मौजूद है ही नहीं। स्मॉल बी तो ए वाले सेट में हमारे पास वोवल्स आ रहे हैं, स्मॉल बी तो उसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो हमारे पास वो फॉल्स है। थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें कहा हुआ है कि डी डज नॉट बिलोंग टू ए, डी जो है वो ए वाले में, कैपिटल ए वाला जो सेट है जिसके अंदर वोवल्स दिए हुए हैं वो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने सही बताया, डी मौजूद नहीं है ए वाले सेट में, वोवल्स में वाले में ए डी आ ही नहीं रहा, इसलिए वो भी ट्रू है। उसका फोर पार्ट दिया हुआ है, सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सी जो है वो बी वाले में मौजूद नहीं है। सी को देखें, जो बी का सेट दिया हुआ है ए बी सी अप टू सो ऑन जी तक, वो बी वाले में मौजूद है कि नहीं है, तो सी हमारे पास वो बी वाले सेट में मौजूद है, जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं है, डज नॉट बिलोंग इट्स मीन नहीं है, तो उन्होंने गलत बताया, तो हम लिख देंगे फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है इसका, आई बिलोंग्स टू बी, आई जो है वो बी वाले सेट में मौजूद है मौजूद, तो वो ट्रू है। सिक्स पार्ट है, आई बिलोंग्स टू ए, आई हमारे पास ए वाले सेट में मौजूद है तो वो ट्रू है। सेवन पार्ट है हमारे पास, एफ बिलोंग्स टू ए, एफ भी हमारे पास मौजूद है कैपिटल ए वाले सेट में, नो एफ हमारे पास कैपिटल ए वाले सेट में मौजूद नहीं है, इट्स मीन इट्स फॉल्स। एट पार्ट है हमारे पास, वी बिलोंग्स टू ए, इट्स मीन वी को देखें वो ए वाले सेट में मौजूद है, वी तो नहीं है ए वाले सेट में, दिया ही नहीं हुआ, वो फॉल्स है। नाइन पार्ट देखें, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, उन्होंने खुद ही सही बता दिया कि एक्स जो है वो ए वाले सेट में डज नॉट बिलोंग, इट्स मीन मौजूद नहीं है, तो उन्होंने ठीक स्टेटमेंट बताई है, तो ट्रू। टेन पार्ट है इसका, जी बिलोंग्स टू बी, जी जो है वो बी वाले सेट में मौजूद है, बिलोंग्स मीन मौजूद है, तो ट्रू, तो हम ट्रू लिख देंगे। 11 है हमारे पास, एम डज नॉट बिलोंग्स टू बी, उन्होंने कहा है कि एम जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि बी में हमारे पास जो सेट है उसमें ए भी आ रहा है, बी सी जी तक जा रहा है, तो एम भी उसी के अंदर मौजूद होगा, इट्स मीन इट्स फॉल्स। उसके बाद है हमारे पास 12 पार्ट है, ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है वो बी वाले सेट में मौजूद है, देखिए पहले आ ही ए रहा है बी में, ए से तो स्टार्ट हो रही है बी सी, इट्स मीन इट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ऑफ सिंबल्स बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग। हमने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है, कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 1-2-3, तो हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ये जो 2-3 ब्रैकेट में दिया हुआ है, एक सेट है हमारे पास, ये वो कह रहे हैं कि 1 इससे बिलोंग्स करता है या नहीं करता। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि बिलोंग हमारे पास तब कोई चीज़ करती है जब वो उसके अंदर मौजूद हो। अब 1, 2 और 3 में मौजूद नहीं है, इट्स मीन डज नॉट बिलोंग, इसलिए बिलोंग लगा के ऊपर लाइन लगाई हुई है, इट्स मीन डज नॉट बिलोंग। सेकंड पार्ट है इसका, बी डैश ए बी सी, अब देखें बी जो है वो ए बी सी वाली ब्रैकेट में मौजूद है, तो बी बिलोंग्स करेगा ए बी सी से। थर्ड पार्ट है इसका, आई डैश द सेट ऑफ वोवल्स, अब वोवल्स सेट में हमारे पास ए ई आई ओ यू सारे आते हैं, इट्स मीन आई जो है वो वोवल्स का सेट है, तो आई बिलोंग्स करेगा, आई बिलोंग्स द सेट ऑफ वोवल्स। फोर्थ पार्ट है इसका, स्नेक डैश द सेट ऑफ पेट्स एनिमल, सॉरी यहाँ पर स्नेक की स्पेल रॉन्ग हो गई है, एस एन ए के ई स्नेक होता है, यहाँ पर सेंक राइट हो गया है, तो स्नेक हमें पता है कि पेट्स एनिमल्स में नहीं आता, पेट्स एनिमल्स तो दूसरे होते हैं, स्नेक तो पेट्स एनिमल्स हमारे पास तो
पेट्स एनिमल्स हमारे पास पालतू जानवर होते हैं जो हम घरों में पालते हैं, जबकि स्नेक लिखा हुआ है, स्नेक तो घर में नहीं पाला जा सकता ना, तो स्नेक डज नॉट बिलोंग द सेट ऑफ पेट्स एनिमल। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 15- द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। वो कह रहे हैं कि काउंटिंग नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उसमें 15 आता है कि नहीं आता, तो 15 तो आता है हमारे पास, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होके पता नहीं कहाँ तक 100 अप टू 100 ऑन तक जा रहे होते हैं, तो 15 बिलोंग्स द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। सिक्स पार्ट है इसका 0- द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर हमारे पास स्टार्ट ही 0 से होते हैं, तो 0 बिलोंग्स करेगा द सेट ऑफ होल नंबर्स। सेवन पार्ट है इसका गोलकीपर- द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। गोलकीपर जो है वो सेट ऑफ क्रिकेट टीम में है कि नहीं है, तो गोलकीपर हमारे पास क्रिकेट टीम में मौजूद नहीं होता, तो डज नॉट बिलोंग हम लिख देंगे। इसके बाद उसका एट पार्ट है B- द सेट ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बी हमारे पास जो स्मॉल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उसमें मौजूद होते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल बी राइट हुआ है, स्मॉल बी राइट नहीं हुआ हुआ, तो बी डज नॉट बिलोंग हो जाएगा द सेट ऑफ स्मॉल लेटर। उसके बाद है Notebook- द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। नोटबुक हमें पता है जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं स्कूल बैग में उसके अंदर मौजूद होती है, तो बिलोंग करेगा। Lion- द सेट ऑफ जंगल एनिमल, जो जंगल के एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं उसके अंदर लायन मौजूद होता है, लेकिन लायन तो बादशाह होता है, तो जाहिर सी बात है लायन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ जंगल एनिमल।